ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएई पहुंचने की, जब उन्हें खुद एयरपोर्ट पर तमाम प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए यूएई के राष्ट्रपति रिसीव करने पहुंच गए। और जिस अंदाज में पीएम मोदी का उन्होंने इस्तकबाल किया, वो तरीका पीएम मोदी के भी दिल को जीत गया। कोविड के वक्त में इस तरह की मेहमान नवाजी ने भारत का दिल जीत लिया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से 28 जून 2022 को पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए खुद यूएई के राष्ट्रपति पहुंच गए थे और वहां उनके आसपास के सभी अधिकारी मास्क लगाए हुए मौजूद थे। लेकिन दोनों ही नेताओं के बीच जिस तरह गर्मजोशी के साथ मुलाकात हुई, वो अपने आप में बड़ी खबर बनी। और खासकर जिस तरह से उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए कोविड महामारी जैसे वक्त में भारत के प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए खुद पहुंचे, वो भी बड़ी बात थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब प्रधानमंत्री उस दौरे से लौटने लगे तो उस वक्त भी एयरपोर्ट पर उन्हें छोड़ने के लिए वो खुद आए थे। इसकी भी तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री का एक बेहद कम वक्त का जो दौरा था उसे पूरा करते हुए जब प्रधानमंत्री अपने देश लौटने लगे तो उन्हें एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने के लिए खुद यूएई के राष्ट्रपति चले आए। तो सबसे पहले यूएई के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री के लिए अपना प्रोटोकॉल तोड़ दिया। उसके बाद जिस तरह की दोस्ती सामने दिखाई देती है, भारत के प्रधानमंत्री जिस तरीके से यूएई के राष्ट्रपति को अपना भाई कह के संबोधित करते हैं, वो भाईचारा 9 जनवरी 2024 को गुजरात में भी देखने को मिला, जब खुद यूएई के राष्ट्रपति वाइब्रेंट गुजरात में मुख्य अतिथि के तौर पर एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्हें रिसीव करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद थे। तस्वीरों में आप देखिए कि किस गर्मजोशी के साथ दोनों ही नेताओं की मुलाकात हुई और दोनों ने एक दूसरे का कैसे खुले दिल के साथ इस्तकबाल किया। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उस वक्त लगातार पीएम मोदी उनके साथ चलते रहे और फिर एक भव्य रोड शो का भी आयोजन किया गया, जिसमें दोनों ही नेता एक ही गाड़ी में बैठकर अपने गंतव्य की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। और उस दौरान दोनों ही तरफ सड़कों के जनता खड़ी रही उनका अभिवादन करने के लिए। तो जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री और यूएई के राष्ट्रपति एक दूसरे के प्रति गर्मजोशी दिखाते हैं, अपनी दोस्ती दिखाते हैं, उससे भारत और यूएई दोनों को लाभ होने की संभावना पूरी पूरी है। और जिस तरह से दोनों ही नेता एक दूसरे के लिए प्रोटोकॉल तोड़कर अपनी दोस्ती को महत्व देते हुए दिखाई देते हैं, वो भी कहीं ना कहीं उभरते हुए भारत और यूएई के साथ मजबूत होती दोस्ती के संकेत साफ देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।